प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी को लेकर प्रदेश के अतिथि शिक्षक अब आंदोलन की राह पर उतर चुके हैं। वे अब सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए सीहोर जिले से पैदल तिरंगा यात्रा निकालेंगे। प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों में मध्य प्रदेश में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुमंत दुबे ने बताया, जहां कांग्रेस के वचन पत्र में 90 दिनों में अतिथि शिक्षकों के नियमित करने की बात कही थी, आज वही कांग्रेस सरकार सत्ता में काबिज होने के 6 माह के बाद भी सोई हुई है। जब भी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात होती है तो सरकार ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि अतिथि शिक्षकों के लिए समिति गठित की गई है। 90 दिन के बदले आज 6 माह बीत चुके हैं, लेकिन सरकार अतिथियों की बात तक नहीं कर रही है। इसी के चलते अतिथि शिक्षकों की एक बैठक खातेगांव में संपन्न हुई। आज की मीटिंग का जो आयोजन हुआ था वो इस कारण से हुआ था कि पिछले 4 माह से अतिथि शिक्षकों का रुका हुआ वेतन नहीं मिला और इस कारण से अतिथि शिक्षकों की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। शासन प्रशासन इस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। हमने SDM साहब, DO साहब को इस संदर्भ का ज्ञापन दे चुके हैं और आज हमने इस मीटिंग में यह तय किया है कि यदि 29 तारीख तक हमारा वेतन नहीं मिलता है तो 30 तारीख को अतिथि शिक्षक संघ देवास के लिए कूच करेगा। हम देवास DO साहब और कलेक्टर साहब को अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। दोपहर न्यूज के लिए खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।